तरह से हम लोग ये काम भी कर लेंगे और हो जाएगा। सर जब हम लोग 8, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो 2,10,000 रुपए उसी हिसाब से आ जाएगा जो हम लोग दिमाग लगा रहे हैं? इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सेम तरीके की मैं अपने आप बता दे रहा हूँ। मैंने एक बार वो यहाँ से बोला था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो केमिकल का जो लोचा होता ना वो मेरे दिमाग के अंदर भी था। चक्कर क्या था कि मैंने 2002 में MSc किया था केमिस्ट्री में और फिर मेरी जॉब लग गई थी। अब मेरी जॉब लगी और सच बता रहा हूँ मैं कि 2002 में अगर किसी व्यक्ति के पास 15,000 या 20,000 या 25,000 या 30,000 या इवन 40,000 रुपये भी आ जाए सन 2002 में, तो बहुत बड़ी बात है कहीं झांसी जैसे शहर के लिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने जब जॉब करी तो मेरी सब कुछ सैलरी वैली मिला मिलू के 18-19,000 रुपये में 2002 में कमाता था और मेरे अंदर कोई भी ऐब नहीं था, कोई ऐब माल नहीं था, ना मैं गुटखा बीड़ी सिगरेट इस तरह का मेरी आदत नहीं रही और मेरा सर्किल भी बोली था। सच बता रहा हूँ कि जब मेरे सामने ये इन्फॉर्मेशन आई, मैं अपने पहले नाम बता दूँ, मेरा नाम अवनीश श्रीवास्तव है और मैं इस बिजनेस में पिछले 3.5 साल से काम करता हूँ। मुझे अभी 4 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं फार्मा में था तो वही वाली बात, एक तो मैंने केमिस्ट्री से MSc किया हुआ था तो वो केमिकल दिमाग में चलते रहते थे और फिर मैंने क्या करा, दवाइयाँ बेची, अंग्रेजी दवाइयाँ, तो दवाइयाँ वो भी केमिकल्स होते, वही सॉल्ट होते ना, सॉल्ट बोलते उनको, अब वो सॉल्ट भी दिमाग में घुसे हुए थे। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई तो मतलब बिल्कुल एक टीम का चश्मा लगा हुआ था मेरे नज़रों के सामने, दिमाग के सामने टीम का चश्मा लगा हुआ था। समझने को तैयार ही नहीं था, बिल्कुल समझने को तैयार नहीं था और लगता था कि अरे यार ये कैसे हो सकता, मैं कमा रहा हूँ अभी 50,000 रुपये या 45,000 रुपये महीना और ये भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ पे 2,10,000 रुपये, रजी हो जाएगा क्या, रजी हो जाएगा? तो ये घमंड वाली बात होती थी। लेकिन सच बता रहा हूँ मैं कि वो केमिकल का जो मतलब जो लोचा था वो मेरा कब खत्म हुआ, जब मैंने इस इंडस्ट्री में जो वास्तव में जो अच्छे लीडर्स हैं उनकी बात को मैंने सुना कि एक्चुअली यार एक सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है और ये इसकी बात में कुछ दम है कि नहीं है। और अपन सब लोग पढ़े लिखे, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कोई डिग्री हम लोगों ने ली हुई है, सर्टिफिकेट लिया हुआ है, हम लोग प्रूफ्स किसको मानते हैं? हम लोग अगर इनकम ले रहे हैं तो प्रूफ हमको किसको मानते हैं? फॉर्म 16A को मानते हैं, 16A को, या उसका बैंक स्टेटमेंट अगर देखना हो या उसकी पासबुक देखनी हो, यही तो मानते हैं हम लोग, और क्या प्रूफ मानते हैं? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे घर में आके हम लोगों को बता रहा है कि भैया इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, उसकी बात हम लोग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, अभी खरे साहब ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे थे वो, कि जब हम किसी के पास खुद जाते हैं ऊपर के तो उसकी अहमियत या वैल्यू नहीं होती, हकीकत है। लेकिन इस इंडस्ट्री की खासियत भी यही है कि करना भी यही पड़ेगा, तभी तो 2,10,000 है सर, आप समझे ना। ये थोड़ी है कि भैया हम अब नहीं आएंगे तो अभी तो नहीं, सर आपको तो वहां पे भले ही वो दूध वाला बन के या वो दारू वाला बन के जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाओगे, अपनी जानकारी नहीं दोगे, ठीक है, वो भले ही आपको भगा दे, मतलब आपकी बात ना माने, कुछ भी करे, लेकिन आपको अपनी वो जानकारी देनी ही पड़ेगी, तभी तो लोगों को समझ आएगा। अभी ऐसे यहाँ पर जो नए लोग हैं, क्या उनको ये इन्फॉर्मेशन थी पहले से कि हम लोग क्या बताने वाले हैं? जब उनको यहाँ बुलाया गया, बताया गया, तभी तो उनको पता है, तो उनको पता लगा, उनको बताने के लिए तो हम लोग को जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अभी उनकी बात मानी और सच बता रहा हूँ मैं कि आज हम लोगों के इस इंडस्ट्री में और बुंदेलखंड में, मतलब पूरे बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड का नाम पूरे विश्व में और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में परचम लहराने वाले जो हम लोगों के बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, जिनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत मानता भी हूँ, हम लोगों के लाडले पहले NTC लीडर श्री सोनू राय सर से मेरी मुलाकात हुई है। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति है वो और मैंने उनसे सीधा कहा, मैंने कहा सर ये इतनी बड़ी बात हो रही है कि आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि सर 2,10,000 रुपये महीना या हफ्ता आ सकता है, तो सर मेरी तो पूरी साल भर की इनकम 3.5 लाख रुपये की है, पूरा 3.5 लाख रुपये मैं पूरे साल में कमा पाता हूँ और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि भैया 2,10,000 रुपये हफ्ते में आ जाएगा। तो हमने कहा सर ये बात हजम नहीं हो रही, मुझे समझ में नहीं आती सर, क्योंकि आज हकीकत भी है प्राइवेट जॉब में आज क्या स्थिति है सर, आप समझते हैं सर प्राइवेट जॉब में क्या स्थिति है, जरा से मैं ए लग जाता अगर आप 10 मिनट लेट हो तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता अपने ऊपर, है ना सर। तो मैंने उनसे इतना बोला कि उन्होंने, सोनू सर ने मुझसे एक बार बोला कि अपनी जी आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या बात है, क्या पूछना चाह रहे हो? तो हमने कहा सर मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि एक आध ऐसा व्यक्ति हो जो कि कमा रहा हो, जो कि कमा रहा हो
क्योंकि मैं तो सर इतना कमाता हूँ, पूरे महीने में 45,000 रुपये की मेरी इनकम है और मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा आप क्या देखना चाहोगे? तो हमने कहा सर कोई पैन कार्ड हो, उसका कोई फॉर्म 16A हो या पासबुक हो, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट हो जो मैं देख सकता हूँ, जो उसका रिटर्न वगैरह हो। तो उन्होंने कहा इतनी सी बात अगर है, तो उन्होंने अपनी ही पासबुक मुझे अपनी दिखाई उन्होंने, और उसमें मैं कमा रहा था उस टाइम 45,000 रुपये महीना, और जब उन्होंने अपनी पासबुक दिखाई तो वो 60,000 रुपये हफ्ता कमा रहे थे, 60,000 रुपीज इन अ वीक। ताली होनी चाहिए। तो मैंने कहा, तब सच बता रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, बिल्कुल मेरी आंखें खुल गई। हम लोग पता नहीं कौन से झूठे गुमान में, अभी हम लोग, मुझे इतना पता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, जितने लोग भी यहाँ पे, अगर ये पूरा भरा भी होता, अगर ये हॉल पूरा भरा भी होता, मैं गारंटी ले रहा हूँ एक भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं आता जो 2,00,000 रुपये महीना कमा रहा होता, एक भी व्यक्ति नहीं आता। हम लोग एक कुछ टीम का चश्मा लगा लेते हैं और हम लोग मतलब उस चीज को ध्यान देखना नहीं चाहते। एक्चुअली क्या है, जो चश्मा हम लोग लगाए हुए हैं उस पर गंदगी लगी हुई है, और गंदगी मतलब वो धूल जो लगी हुई है वो शंकाओं रूपी गंदगी है, शंकाओं के रूप में गंदगी है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, हम लोग अपने आप से पूछे ना कि हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं वहां पे हम लोगों को अगर वास्तव में कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ हो जाए, तो हम लोग अभी दूसरे की तरफ मुंह ताकने लगेंगे। फैक्ट है ये। लेकिन एकमात्र इंडस्ट्री आज मुझे ऐसे बिल्कुल मतलब मेरे खानदान में किसी ने डायरेक्ट में काम नहीं किया, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अपने खानदान में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति मैं बनने वाला हूँ। मेरे खानदान में सच बता रहा हूँ मैं कि किसी ने डायरेक्ट सेलिंग की थी, किसी कोई एमआर नहीं था, मैं एमआर बना। और मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब एमआर था, मैं मतलब छोटा हूँ, बड़ी बात हो सकती है ये, मैं घमंड नहीं है, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। मेरी फैमिली सब वकील है, लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं फार्मेसी में जाऊँगा, मुझे नहीं करना हुआ। मैंने उसमें भी बहुत अच्छी बुलंदियाँ को छुई, और मुझे मतलब पूरी अपने बुंदेलखंड में बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सच बता रहा हूँ मैं कि एक मुझ जैसा साधारण सा व्यक्ति आज मेरी आप यकीन नहीं करेंगे 2,500 लोगों की टीम है। 2,500 लोगों की टीम होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और एक हम लोगों के यहाँ पे वर्ड बोला था फ्लश आउट होने के बाद 2,500 लोगों की टीम है, मतलब बहुत से लोगों को तो कंपनी उनकी आईडी को उड़ा देती है, क्योंकि वो एक साल में रिपर्चेज वगैरह नहीं करते, या उनकी आईडी एक्टिवेट नहीं हो पाती, या वो काम नहीं करते, तो उनको उड़ा दिया जाता। अगर उनको भी ऐड कर दो तो 3,500 लोग थे मेरी टीम में, अभी 2,500 लोग हैं जिंदा। आप सोचो सर कि कितना सिंपल सा गणित है कि अगर वो 2,500 लोग जो मेरी टीम का हिस्सा है, जबकि मैं डायरेक्ट उनको जानता भी नहीं था, मेरी टीम का हिस्सा है, बिल्कुल फैमिली की तरह है, अगर वो 2,500 लोग सिर्फ एक घंटा काम करें अपने लिए, तो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे लिए 2,500 घंटे काम हो जाएगा, समझो। जबकि ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिए, कुछ लोग जो जॉब कर रहे हैं 8-8 घंटे की, उनको पेमेंट हो रहा 8 घंटे का, लेकिन यहाँ पे 2,500 लोगों ने अगर सिर्फ 1 घंटे काम किए, अपने लिए काम किया, मेरे लिए ऑटोमेटिकली 2,500 घंटे काम हो गया। और अगर उस 2,500 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति ने सिर्फ 1,000 रुपये का ही बिजनेस किया, आप समझो इस बिजनेस की ताकत को। मैं बहुत लीस्ट लेके चल रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो जमीनी बात होती है, अगर वो 2,500 लोगों ने लीस्ट काम किया, 1,000 रुपये का ही बिजनेस किया, तो आप 2,500 × 1,000 कर दो, समझे सर। उसका मतलब उसके उन लोगों के द्वारा किए गए काम का कुछ हिस्सा मेरे अकाउंट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जबकि वो लोग टूथपेस्ट तो पहले से कर रहे थे सर, वो लोग नहा दो पहले से रहे थे, सब कुछ पहले से कर रहे थे, यही बात उनके समझ में आ गई, वो यहाँ से सामान लेने लगे, वो काम करने लगे सर, इतनी सी बात है सर। तो मतलब ये एक ऐसा इंडस्ट्री है कि इसमें बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो पहले जिन लोगों को हम टीम में लेके आए उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। मतलब ये वो इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे हम दूसरे के को कुचल के या किसी को गिरा के आगे बढ़े, नहीं, यहाँ पे अगर हमें आगे बढ़ना है तो सामने वाले को अपने टीम को उठा के आगे, उसका हाथ में हाथ, कंधे में कंधा मतलब मिला के चलना पड़ेगा, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि सर मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे लोग आज हम लोग की लाइफ में देखने को मिलते हैं प्रैक्टिकल, जिनसे मेरी बिल्कुल पर्सनल पारिवारिक संबंध है। इस इंडस्ट्री में कुछ टाइम पहले वो कुछ नहीं थे, लेकिन इस इंडस्ट्री की ताकत ऐसी है कि आज उनको देख के लोग अपनी लाइफ में परिवर्तन लेके आ रहे हैं, लोग उनको आदर्श मान के काम कर रहे हैं, और सच बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि अगर कई बार हम लोग कहते हैं ना कि दोस्ती, एक वर्ड होता है दोस्ती, सच बता रहा हूं मैं, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप उन जो सगे जो सो कॉल्ड हम लोगों के दोस्त होते हैं उनसे भी ज्यादा वेलविशर यहां पे इस इंडस्ट्री में है, जबकि आपसे उनकी दोस्ती हो सकता है 2 घंटे पुरानी हो,
हो सकता है सिर्फ दो घंटे पढ़ाई दोस्ती हो, लेकिन इंडस्ट्री में अगर वो है तो वो व्यक्ति पूरी तरह से आपके हेल्प करने को तैयार है कि अगर आप बढ़ोगे तो वो आदमी बढ़ेगा। और ऐसे ही आज महागुरु उन लोगों के सामने उपस्थित हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे प्रूव किया है। और अभी जैसे मैडम बोल रही थी कि भैया मतलब जो हम लोग की क्या ड्रीम कार होती है, बहुत से लोगों ने तो 30-30, 40-40 साल जॉब कर ली तब भी वो अभी कार ही प्लान कर रहे हैं, अभी तक कार ही प्लान करते रहेंगे वो आगे भी, अगर इस बिजनेस में नहीं है तो कार प्लान ही करते रहेंगे। अभी पिछले हफ्ते ये कितनी बेहतरीन कार लेके आए हैं सर, जो हम लोगों को मतलब मजा आ गया देख के, और मैं चाहूंगा जो है ताली होनी चाहिए इस कार के लिए सर। और सर जी ये भी सर बता रहा हूँ कुछ टाइम बाद वही कार लेके आऊंगा सर। थैंक यू सर, मैं जहाँ कार ले लूंगा। थैंक यू वेरी मच।